नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय के फिलिस्तान और इसराइल के बीच ये जंग लड़ाई रुकने तक का नाम नहीं ले रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को हजगे इसराइल ने जो 25 मिनट में जो 40 ठिकानों को बनाया निशाना, जिसमें कहीं लोग बाग मारे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इसराइल ने जो हमास के कई ठिकानों को जो नेसे नाबूद कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तान की पल पल की ताज़ा खबर को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को हजगे इसराइल ने हवाई हमला करके हजगे हमास के 40 से भी ज़्यादा हजगे ठिकानों को नेसे नाबूद कर दिया है, जिसमें से आपको बता दें कि 200 से 300 लोग बाग मारे जाने की खबरें सामने निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल ने अपनी सैन्य तादाद और अपने लड़ाकू विमान को हजगे इस समय पूरी तरीके से तैयार कर लिया। कभी भी हजगे बड़ी जंग की हजगे आहट हो सकती हैं। आपको बता दें कि वहीं हमास की तरफ से भी हजगे कहीं रॉकेट दागे गए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल के बेचगे 10 से 12 लोग बाग मारे जाने की खबरें सामने निकल कर आए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे लड़ाकू हथियार है जो हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे गए, उसमें से 90% से भी ज़्यादा रॉकेटों को जो हवा में नष्ट कर दिया। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि रॉकेट को ज़मीन पर गिरने से पहले हवा में भी नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इसराइल के पास कहीं लड़ाकू हथियार और एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच इस समय की ये खूनी खेल जारी है। दोनों ही देशों की तरफ से एक या दो की संख्या में नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में एक दूसरे पर रॉकेट और गोलू से हमला किया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फेल हुए आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से हवाई हमले में आपको बता दें कि फिलिस्तान के कहीं 20 से 30 मंजिलें जो इमारतें थी आपको बता दें कि वो ज़मीन दोस्त हो गई और आसमान में धुएं जैसी परत बन चुकी है। आपको बता दें कि इस समय लोग भाग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लोगों को अपनी जान बचाने के तक्के फोड़े पड़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आतंकी नहीं बल्कि कहीं मासूम लोग और कहीं बच्चे और कहीं महिला भी शामिल है जो मौत के घाट उतर रहे हैं। दोनों ही देशों की तरफ से ये खूनी खेल जारी हैं। दोनों ही देशों के लोग भाग मारे जा रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि बच्चे और मासूम लोग भी शामिल हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल ने अब अपनी सैन्य तादाद को भी पूरी तरीके से बढ़ा लिया। लगभग 200 से भी 300 ज़्यादा है जो कि लोग आपको बता दें कि तोपें पूरी तरीके से तैयार कर लिए। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को इसराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले में आपको बता दें कि सुबह गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और आपको बता दें कि 3 दर्जन से भी ज़्यादा सदस्य वाले परिवार का एक बड़ा घर तबाह हो गया। आपको बता दें कि हमास के साथी क्षेत्र में लगातार रॉकेट के बीच उत्तरे दक्षिण में उग्रवादी के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें से आपको बता दें कि हमले में 40 सदस्य वाले अलग परिवार का नष्ट हो गया। इसमें से आपको बता दें कि मौके पर ही कहीं लोग ढेर हो चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से रॉकेटों की बारिश हो रही है, जिसमें से आपको बता दें कि दोनों ही देशों के लोग बाग इस समय जख्मी रूप और मारे जा रहे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सुरंग नेटवर्क को बनाया निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आपको बता दें कि इसराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने खान यूनिट्स को आपको बता दें कि आतंकी संगठनों के सुरंग के नेटवर्क को निशाना बनाया, जिसमें से 25 मिनट के अंदर 52 विमानों ने उड़ान भरी और आपको बता दें 40 से 50 ठिकानों को बमबारी के। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि 40 से 50 ठिकानों को 25 मिनट के अंदर नष्ट कर दिया, जिसमें से जो कि लोग बाग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें से कहीं लोग जख्मी रूप से जो कि घायल भी हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा कि हम इसराइल को उम्मीद है कि अब जल्दी शांति बेहाल होगी, लेकिन उन्होंने हमला और तेज होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। आपको बता दें कि उन्होंने विदेशी राजदूतों से कहा कि आप या तो उन्हें जीत सकते हैं या फिर उन्हें रोक सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम फिलहाल उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहना है कि हम किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सेना के अधिकारी ने बताया कि लड़ाई से पहले दिन एक रेशिया में एक विस्फोट हुआ, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से एक परिवार के 8 सदस्य मारे गए। उन्होंने कहा कि
गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेट में गलत फायर होने के कारण ये घटना हुई थी। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाल ने कहा कि ये हुआ। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कई लोगों की जान चली गई लगभग है, जो कि आपको बता दें कि इसमें जो कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक है जो कि हवाई हमले में कम से कम है जो कि 200 से 300 लोग मारे जाने की खबरें सामने आई, जिसमें से आपको बता दें कि 40 से 50 बच्चे और 30 से 40 महिला शामिल है। और आपको बता दें कि 1600-1700 व्यक्ति घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिहाद का कहना है कि उनके 20 लड़के भी मारे गए, जबकि इजराइल का कहना है कि ये संख्या कम से कम है 130 है। दोस्तों आपको बता दें कि रॉकेट हमलों में इजराइल के बीच 15 से 20 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 5 वर्ष का एक लड़का भी शामिल है। इजराइल की सेना ने बताया कि हम आपको बता दें कि हमास के आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही सभी फिलिस्तानी के आतंकवादियों ने इजराइल पर हज के 3,700 से अधिक रॉकेट दागे। इजराइल ने का कहना कि उसी हवाई सुरक्षा प्रणाली में 90% भी रॉकेट को हवा में नष्ट कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी और खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड वार की 8 के समर्थन में उतरा लेबोन, इसराइल पर दागे 4 रॉकेट मिला करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि आपको बता दें इसराइल की ओर से जो फिलिस्तानी की जंग में ख़त्म होने के बजाय तेज होती जा रही है। आपको बता दें इस जंग में किस तरह के जो लेबोन की एंट्री हुई, आपको बता दें उसे विश्व युद्ध की आशंका गहरी हो गई। आपको बता दें लेबान की तरफ से जो इसराइल पर बुधवार को जो 4 रॉकेट दागे गए, इसके जवाब में जो इसराइल ने भी हवाई हमला किया। और आपको बता दें कि इसराइली सेना ने बताया कि लेबनान के जो 4 रॉकेट उत्तरी इसराइल में दागे गए, 1 रॉकेट खुले इलाके में गिरा और 2 समुद्र किनारे, जबकि 1 को हवा में नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि हमले का हाथ आपको बता दें कि इसराइल पर रॉकेट दागे गए हमलों को लेबोन के सक्रिय आतंकवादी द्वारा अंजाम देने के बाद सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिकों ने कहा कि रॉकेट दक्षिणी के कायलोन में गांव में दागे गए थे। इसके दौरान कम से कम 4 रॉकेट लेबोन के क्षेत्र में भी गिरे थे, लेकिन आपको बता दें लेबनान से हुए हमले में जहां एक और मोर्चे में इसराइल की परेशानी बढ़ गई। आपको बता दें कि वहीं इस बात की आशंका तेज हो गई कि दो देशों की एक जंग व्यापक रूप से धारण हो सकती है। इसमें आपको बता दें कि दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे बन सकते हैं हालात। आपको बता दें कि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल है जो कि आपको बता दें कि इसराइल पर फिलिस्तान पर किए गए हमलों और अमेरिका के इसराइली समर्थन के रुख में काफ़ी नाराज है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि उसके रॉकेट हमलों को अंजाम दिया जाएगा और आपको बता दें कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि यदि लेबनान सरकार जो हिजबुल पर लगाम नहीं लगा पाती है तो आपको बता दें कि इसराइल को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा और संभावना है कि अमेरिका इसके उसका साथ दे। आपको बता दें कि इस स्थिति में कुर्ती सहित अजगे तमाम मुस्लिम देश एक सुर में अजगे आपको बता दें कि इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। आपको बता दें कि तुर्की रूस और की लगातार से अपने खेमे में अजगे लाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें इसी बीच अजगे इसराइल ने कई हवाई हमले में गाजा पट्टी में कम से कम अजगे 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि कई लोग अन्य रूप से घायल हो गए। सेना ने बताया कि हमास के साथी क्षेत्र में लगातार रॉकेट हमलों के मद्देनजर और आपको बता दें कि दक्षिणी उग्रवादी के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें 40 सदस्यों वाले एक अलग परिवार की मौत भी हो गई है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि दोनों देश एक दूसरे के खूनी खेल खेल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है जो कभी भी युद्ध में बदल सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद भारत।